नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इस कहानी का शीर्षक है कामचोर गधा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक आदमी के पास एक गधा था। वह गधा बहुत आलसी था। एक दिन उसके मालिक ने बाजार जाकर कुछ नमक बेचने की सोची। वह अपने गधे की पीठ पर नमक का एक बोरा रखकर बाजार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे दोनों रास्ते में नदी को पार करने लगे कि अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। गधे को चोट तो नहीं लगी, पर खड़े होने पर उसे ऐसा लगा कि उसकी पीठ पर रखे नमक के बोरे का बोझ कम हो गया। दूसरे दिन गधा फिर से कुछ नमक से भरा बोरा लेकर चल दिया। अब वह जानता था कि उसको क्या करना है। गधे को अब अपनी पीठ पर लदा बोझ हल्का करना था। अतः जब गधा और उसका मालिक नदी पार करने लगे तो गधा फिर से नदी में फिसल कर गिर पड़ा। इस बार फिर से उसे अपनी कमर पर रखे नमक का बोझ हल्का लगने लगा। उसने सोचा यह ठीक हुआ। गधे के मालिक ने उसकी यह चाल पहचान ली। उसको बहुत क्रोध आया क्योंकि उसके नमक के बोरे में से सारा नमक बह गया था। उसने गधे को सबक सिखाना चाहा। तीसरे दिन गधे का मालिक गधे की पीठ पर रुई से भरा बोरा रखकर बाजार चल पड़ा। गधे ने सोचा कि फिर से उसको अपनी चाल चलनी चाहिए। जब वे दोनों नदी पार करने लगे तो गधा फिर से जानबूझकर नदी में फिसल गया ताकि उसकी कमर पर रखा बोझ हल्का हो जाए। परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। उसकी कमर पर रखा बोझ और भारी हो गया। कामचोर गधे को उस बोझ को तो लेकर चलना ही था जो अब बहुत भारी हो गया था। वास्तव में गधे की कमर पर बोरे में भरी रुई ने अपने अंदर पानी सोख लिया था जब गधा जानबूझकर पानी में फिसला था। सच तो यह है कि अब गधे को तो वह बोझ लेकर चलना ही। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम आलस के कारण काम को टालते हैं तो हम और भी अधिक परेशानी या संकट में फंस सकते हैं। इस कारण काम से जी चुराने वाले आदमी कामचोर कहलाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।